अब खबर कानपुर से, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने धावा बोला और चोरों ने दुकान के तकरीबन 20 लाख के माल पर हाथ साफ किया। जी हाँ, चोरी की पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रिक्शे पर चोरी का सारा सामान लादकर चोर वहां से आसानी के साथ फरार भी हो गए। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। बेथनू थाना क्षेत्र के सतबरी यादव चौराहे की घटना बताई जा रही है, जहां पर ज्वेलर्स की शॉप स्थित है, जहां पर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। 20 लाख का माल सोने का, जिस पर चोरों ने हाथ साफ किया है। हालांकि पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। रिक्शे पर सामान लादकर चोर वहां से जाते हुए भी नजर आए हैं। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, चोर तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। तो कानपुर में चोरों के आतंक से जुड़ी ये खबर सामने आई है। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल कर रही है, चोर तक पहुंचने की कोशिश जारी है। सूरज पांडे हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, चोर के बारे में क्या अब तक पुलिस को कोई डिटेल हाथ लग पाई है, कब तक चोर को पकड़ा जाएगा? ये आपको बताते चले कि जिस तरीके से कानपुर में लगातार बदमाशों और चोरों के हौसलों को पस्त करने के लिए लगातार पुलिस एनकाउंटर कर रही है, मगर चोरों के जो हौसले हैं वो कहीं भी पस्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण आज एक बार फिर से बिदनू थाना क्षेत्र के गोपाल नगर इलाके में देखने को मिला, जहां पर एक ज्वेलर्स की दुकान में कल देर रात चोर अपनी फोर व्हीलर से आया और पूरी घटना को अंजाम दिया और पूरे सोने चांदी के जेवरात सहित पूरी ज्वेलरी उठाकर दुकान में एक रिक्शे पर लाद कर वहां से ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, मगर पुलिस अब इस घटना की जांच में तो जुट गई है, मगर पुलिस के हाथ अभी पूरी तरीके से खाली हैं। वहीं अब पुलिस के जो कप्तान है आनंद देव तिवारी, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जांच में पूरी जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा करने की बात कर रहे हैं। जी, जल्द से जल्द पुलिस मामले के खुलासे की बात कह रही है। चोरों ने दुकान में घुसकर 20 लाख के सामान पर वहां पर हाथ साफ किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच पड़ताल चल रही है। शुक्रिया आपका सूरज पांडे इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो चोर तक पहुंचने की पुलिस की कोशिशें जारी है, तमाम साक्ष्य पुलिस फिलहाल जुटा रही है ताकि चोर तक पहुंचा जा सके। ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने धावा बोलते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर 20 लाख का सोने का सामान चुरा कर वो अपने साथ ले गए और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा है कि कैसे एक रिक्शे पर सारा सामान लाद कर वो वहां से चलते बने रफू चक्कर हो गए। जैसे इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा, मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।